नमस्कार, मैं दीपाली वाघ पीआईएस धुले से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए लाई हूं कक्षा आठवीं का व्याकरण पर आधारित काल यह उपघटक। तो काल किसे कहते हैं ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि क्रिया से ही हमें काल का पता चलता है। तो क्रिया मतलब जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो काल किसे कहा जाता है? क्रिया के जिस रूप से हमें वो क्रिया कौन से समय में हुई है, क्रिया के समय का अगर पता चलता है तो उसे हम कहते हैं काल। अब काल के मुख्य तीन भेद है। हमारी जिंदगी तीन कालों से जुड़ी हुई है। एक भूतकाल जो बीत चुका है, दूसरा वर्तमान काल जो चल रहा है, और तीसरा भविष्यत काल जो आने वाला है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं भूतकाल के बारे में। अब मौका भी है और दस्तूर भी, तो क्यों ना मैं आपको एक मेरे दिल की बात बता दूं कि भूतकाल जो बीत चुका है, हम अक्सर जिंदगी में या तो भूतकाल में जीते हैं या तो भविष्यकाल की चिंता करते हैं। तो हमें हम यदि वर्तमान काल में जीना सीख ले तो हमारी जिंदगी सुगम हो जाएगी। तो आइए फिर से भूतकाल पर आते हैं। भूतकाल यानी बीते समय में क्रिया के होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद है सामान्य भूतकाल। भूतकाल में यदि कोई क्रिया हुई है तो वो क्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई है ये हमें इस बात से स्पष्ट नहीं होता। अर्थात भूतकाल में जब क्रिया सामान्य रूप से होती है तो उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अब आपके लिए मैंने एक आसान तरीका अपनाया है कि एक ही वाक्य को मैं हर प्रकार में बदल कर आपको उस वाक्य के काल के भेद के बारे में समझाऊंगी। तो सामान्य भूतकाल का पहला वाक्य है, राम ने पत्र लिखा। अब राम ने पत्र लिखा था, लिखा है, लिखा जा चुका है, इसके बारे में हमें पता नहीं। लेकिन सामान्य रूप से भूतकाल में एक क्रिया हुई थी, तो ऐसे वाक्य आते हैं सामान्य भूतकाल में। दूसरा है आसन्न भूतकाल। थोड़े समय पहले क्रिया के होने का बोध हो। आसन्न भूतकाल मतलब भूतकाल में क्रिया हुई है, लेकिन भूतकाल मतलब चलो 10 साल 5 साल पहले की बात है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी अभी थोड़े समय पहले क्रिया पूरी हुई है, ज्यादा वक्त नहीं बीता है क्रिया के होने का, और इसलिए ऐसे वाक्यों को कहा जाता है आसन्न भूतकाल। जैसे राम ने पत्र लिखा है मतलब पत्र लिखा जा चुका है। यहाँ पे है आ रहा है जिस वजह से हमें पता चल रहा है कि राम ने पत्र लिखा था मतलब बहुत समय बीत चुका है। राम ने पत्र लिखा है यानी अभी क्रिया थोड़े समय पहले पूरी हुई है, ज्यादा वक्त नहीं बीता है। तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। जब कोई क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो गई है और शायद बहुत समय भी बीत चुका है तो ऐसे वाक्य आते हैं पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत, जिसके अंत में था, थी, थे आदि क्रियापद आते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा था, तो कब लिखा है? 5 साल पहले लिखा है, 10 साल पहले लिखा है, मतलब ये क्रिया होकर बहुत समय बीत चुका है। चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल। जब भूतकाल में कोई क्रिया चल रही हो वो संपन्न हुई है नहीं हुई है ये हमें पता नहीं, परंतु भूतकाल में क्रिया चल रही थी इस बात का बोध कराने वाले वाक्य अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम पत्र लिख रहा था, तो लिख रहा था मतलब भूतकाल में क्रिया चल रही थी, लिखकर हुआ नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन
भूतकाल में अपूर्ण, क्योंकि क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध, संदेह, भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो कि होना तो चाहिए था लेकिन हुआ है या नहीं हुआ है यह हमें पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि राम ने पत्र लिखा होगा, वो बच्चा अब बड़ा हो चुका होगा। तो ऐसे संदिग्ध, अगर संदिग्धता या संदेह हम जताते हैं तो वो वाक्य संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। तो हमने भूतकाल के अभी तक पांच भेद देखे। आखिरी भेद है हेतु, हेतु मद भूतकाल। हेतु कि किस हेतु कोई क्रिया हुई है, तो जिसमें बाद में होने वाली क्रिया का कारण या हेतु पहली क्रिया होती है उसको कहा जाता है हेतु, हेतु मद भूतकाल। यदि राम को लिखना आता तो वह पत्र लिख देता, तो पत्र लिखने की क्रिया होती जब पहली क्रिया हो जाती, तो ऐसे वाक्य आते हैं हेतु, हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत। तो हमने छह भेद देखे, सामान्य भूतकाल, सामान्य रूप से क्रिया भूतकाल में होती है, आसन्न भूतकाल जिसमें क्रिया के थोड़े समय पहले होने का बोध होता है, लिखा है, पूर्ण भूतकाल जिसमें क्रिया पूर्ण रूप से हुई है, था थी थे अंत में आते हैं, अपूर्ण भूतकाल क्रिया चल रही थी, रहा था, रही थी, संदिग्ध भूतकाल जिसमें क्रिया के होने का संदेह हो, ऐसा हुआ होगा, हेतु, हेतु मद भूतकाल जिसमें एक कारण से दूसरी क्रिया होती है। दूसरा प्रकार है वर्तमान काल। वर्तमान काल जिसमें हम जीते हैं, तो क्रिया के चालू समय में होने का जिस रूप से पता चले उसे हम कहते हैं वर्तमान काल, जो क्रिया चल रही है। तो इसके भेद है सामान्य वर्तमान काल, जैसे सामान्य भूतकाल है वैसे ही सामान्य वर्तमान काल, कार्य बोलने के समय पर हो रहा है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं तो राम पत्र लिख रहा है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान समय में काम में होने में संदेह हो कि ये चल रहा होगा या नहीं, वहां पर क्या था, हुआ होगा या नहीं, अब ये चल रहा होगा या नहीं, राम पत्र लिख रहा होगा। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, राम पत्र लिख रहा है, लिखकर हुआ है क्या, नहीं, तो ये क्रिया अभी फिलहाल चल रही है, ऐसे वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। तो वर्तमान काल के हमने भेद देखे, सामान्य वर्तमान काल लिखता है, लिखती है, संदिग्ध वर्तमान काल जिसमें हुआ है या नहीं, चल रहा है या नहीं, तीसरा अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया जिसमें कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। अगला देखते हैं भविष्यत काल। आने वाले समय में क्रिया के होने का पता चले, क्रिया के जिस रूप से वो क्रिया आने वाले समय में होने वाली है इस बात का हमें पता चले तो उसे कहा जाता है भविष्यत काल। इसके दो भेद है सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य और संदिग्ध शब्दों के समानता होने के कारण हम इसमें कई बार गलतियां कर देते हैं। तो संभाव्य ये सिर्फ भविष्य काल में ही आता है। सामान्य भविष्य काल क्रिया के भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चले, जैसे राम पत्र लिखेगा, अध्यापिका पढ़ाएगी, ऐसे वाक्य सामान्य भविष्यत काल में आते हैं। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना व्यक्त की जाती है कि ऐसा हो सकता है, तो इसमें हम अक्सर शायद लगाते हैं कि शायद राम पत्र लिख ले या शायद राम पत्र लिखे, तो ऐसे वाक्य आते हैं संभाव्य भविष्यत काल में। अब आखिरी हिस्सा जो सबसे इस
व्याकरण घटक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, काल के एक जैसे उपभेद में अंतर। तो मैंने एक तख्ते के माध्यम से आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान और सामान्य भविष्यकाल, तीनों भेद सामान्य के है, तो आपके इसमें दुविधा न हो इसके लिए मैंने आपके समक्ष वाक्य रखे हैं। अब सामान्य भूतकाल का वाक्य कैसे होगा? राधा ने गीत गाया, गाया मतलब हो गई है क्रिया, तो भूतकाल बीता हुआ समय। राधा गीत गाती है वर्तमान काल, और राधा गीत गाएगी सामान्य भविष्य काल। तो ये तीनों फर्क आपके समक्ष है, इसमें अंतर आप भलीभांति देख सकते हैं। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, राधा गीत गा रही थी। अपूर्ण वर्तमान काल, राधा गीत गा रही है भविष्य काल में, ये भेद नहीं है इसलिए मैंने वो जगह रिक्त छोड़ी है। तीसरा है संदिग्ध भूतकाल, राधा ने गीत गाया होगा। संदिग्ध वर्तमान काल, राधा गीत गा रही होगी, वर्तमान क्रिया चल रही है, और भूतकाल गाया होगा हो चुकी है, और भविष्य काल में संदिग्ध नहीं है परंतु संभाव्य भविष्य काल है, शायद राधा गीत गाए। आशा है कि आपको पीपीटी की सहायता से इस घटक को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।